है। सो दिस इज बेसिकली अ बेल जार। बेल जार में भाई साहब आपने एक क्या डाला हुआ है यहाँ पे, दिस इज अ बेल जार, इसमें आपने क्या डाला हुआ है, दिस इज अ बेल, ठीक है। और जैसे ही भाई साहब आपने यहाँ से इसको पूरा पूरा पंप आउट कर दिया, यू विल नॉट बी एबल टू हियर द साउंड एनी मोर, ठीक है। सो ये बेल जार हो गया, ये इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया। जैसे ही आपने स्विच दिया, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जाएगी और ये बेल जार से आपको कॉलिंग बेल की आवाज बाहर तक सुनाई देगी। अभी आप धीरे धीरे क्या कर रहे हैं भाई साहब, एयर को विड्रॉ कर रहे हैं। अगर आप धीरे धीरे एयर को विड्रॉ कर रहे हैं, आपने जैसे ही भाई साहब यहाँ पे इसको ऑन ऑफ किया, भाई साहब जैसे ऑन किया तो धीरे धीरे एयर विड्रॉ हो रहा है वैक्यूम पंप से, ठीक है। सो ये एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, देखो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, वैक्यूम पंप से क्या हो जाएंगे भाई साहब, ये एयर के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो आपका भाई साहब ये एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे आपने इसको ऑन किया, दस वी कंक्लूड दैट फॉर द साउंड टू बी प्रोड्यूस वी रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम लाइक एयर, वाटर एक्सेट्रा। जैसे आपने पूरे एयर को ड्रेन आउट कर दिया है, इन स्पाइट ऑफ प्रेसिंग द स्विच यू विल नॉट बी एबल टू हियर द कॉलिंग बेल साउंड फ्रॉम आउटसाइड। आप भाई साहब बाहर से इस कॉलिंग बेल के साउंड को हियर नहीं कर पाएंगे। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो ये आपका एक बेल जार एक्सपेरिमेंट है विच इज प्रूविंग दैट देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल्स फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड इन अ एनवायरमेंट ऑफ वैक्यूम और नो एयर यू कैन नॉट हियर साउंड, ठीक है। आपका कैसा होगा, जैसे ही वैक्यूम पंप से एयर आप पंप आउट करते जाओगे, इन स्पाइट ऑफ प्रेसिंग द स्विच फॉर मल्टीपल टाइम्स यू विल नॉट बी एबल टू हियर द साउंड एनी मोर। आपका जो साउंड है वो फेड आउट होता जाएगा, कॉलिंग बेल का जो साउंड है वो धीरे 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 फेड आउट होता जाएगा, एंड फाइनली यू कैन नॉट हियर द साउंड एनी मोर, ठीक है। एनी क्वेश्चन ऑन दिस पीपल? अगर आप वैक्यूम के मीडियम में किसी साउंड को प्रोड्यूस करते हो तो आपको वो साउंड सुनाई नहीं देगा। If you are producing sound in a medium of vacuum, you will be not be able to hear the sound. Okay? A sound producing body is at a considerable distance from a man. There can be four different media W, X, Y and Z between the sound producing body and the man. Okay? तो आपके mediums अलग अलग है देखो, ठीक है। There is a sound producing body मतलब sound source है ये, and a considerable distance from a man. तो ये आपका sound recipient है जो sound को सुन रहा है। There is a sound source and there is a sound recipient. There can be four different media. इन दोनों के दरमियान चार टाइप के मीडिया हैं, ठीक है। W, X, Y और Z between the sound producing body and the man, ठीक है। The medium X brings the sound to a man most quickly, ठीक है। तो आपका देखो यहाँ पे आपका sound source है और ये sound recipient है which is basically the man, ठीक है। और इन दोनों के बीच में let's say W है एक medium, दूसरा है भाई साहब X, तीसरा है भाई साहब अपने अपने वाई रखा है और चौथा है आपका जेड, ठीक है। द मीडियम एक्स ब्रिंग्स द साउंड टू द मैन मोस्ट क्विकली, तो मीडियम एक्स जो है इसमें साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा, समझ में आ रहा है, इसमें साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा। जब इस साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स और साउंड रिसिपिएंट में मीडियम आपका एक्स है तो आपका साउंड का सबसे ज्यादा सुनाई देता है, ये साउंड इज मोस्टली हर्ड, ठीक है। तो इसका मतलब ये एक्स क्या हो जाएगा, X will be a solid हो जाएगा भाई साहब। Solid में से sound का speed सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा होता है, okay। Medium Z takes the maximum time, तो आपका medium Z आपका सबसे, इसमें sound की speed सबसे कम होगी क्योंकि इसमें time ज्यादा लग रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, this will be basically a gas, gas में आपका sound का speed कम हो जाएगा, ठीक है, okay। The time taken by medium W in bringing the sound to the man is less than that of X but more than that of Z. तो ये X से ज़्यादा है और इससे कम है, तो ये क्या हो जाएगा, this will be obviously moderate, that is this will be a liquid. ये हो जाएगा आपका भाई साहब solid, ये हो जाएगा भाई साहब आपका gas, ठीक है। The medium Y fails to bring the sound from the sound producing body to the man. तो इसका मतलब medium Y क्या हो जाएगा आपका, vacuum. Are we clear on this one people, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो this will be basically vacuum. तो which of the medium could be the one Having no fixed shape and no fixed volume, मतलब कौन सा हो गया ये, घूम के पूछा है आपको, कौन सा ऐसा मीडियम होता है जिसका ना ही फिक्स शेप होता है ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है, गैस, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा भाई साहब आपका, Z, ठीक है, दिस विल बी Z, ओके। Having a fixed volume but no fixed shape, fixed volume है और fixed shape नहीं है, तो लिक्विड कौन सा है भाई साहब आपका, W था ना। The time taken by medium W in bringing a sound is less than that of X but more than that, तो ये हो जाएगा आपका W, ठीक है, okay। Having same composition as that on moon, moon में आपका vacuum है, moon में air नहीं है, ठीक है।
इसीलिए भाई साहब जब मून में एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं एकदम आजू बाजू भी रहेंगे तो उनकी आवाजें सुनाई नहीं पड़ेंगी, उनको टेलीफोन से बात करना पड़ेगा, ठीक है। तो हैविंग सेम कॉम्पोजिशन एज दैट ऑफ मून किसका हो जाएगा भाई साहब, वाई का, ठीक है, वैक्यूम, ओके। हैविंग फिक्स्ड शेप एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम मतलब सॉलिड, ये कौन हो जाएगा, एक्स, ठीक है। सो मीडियम जेड दैट इज गैस, ये क्या हो जाएगा भाई साहब, मीडियम डब्ल्यू दैट इज लिक्विड, ठीक है, मीडियम वाई दैट इज वैक्यूम एंड मीडियम एक्स दैट इज सॉलिड। सॉलिड में साउंड का स्पीड सबसे ज्यादा, लिक्विड में बिटवीन सॉलिड एंड गैस, गैस में स्पीड सबसे कम, ठीक है, गैस में स्पीड सबसे कम हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है पीपल दिस क्वेश्चन, ओके ओके ओके। सो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, देखो हम ज्यादा करके रिफ्लेक्शन की जो प्रॉपर्टी है वो लाइट के संदर्भ में पढ़ते हैं। यस आपका एंटरटेनमेंट सेशन चल रहा है यहाँ पे बहुत देर से, है ना, एक पैसे का कॉन्सेंट्रेशन नहीं है इधर। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, वॉट इज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, साउंड इज बेसिकली रिफ्लेक्टेड, आपका जो लाइट है उसका रिफ्लेक्शन और साउंड का रिफ्लेक्शन लगभग एक ही है, इट्स द सेम, ठीक है, लाइट एंड साउंड का रिफ्लेक्शन लगभग एक ही है। तो आपका समझ लो ये आपका कोई साउंड है, ठीक है, आपने एक पाइप लिया हुआ यहाँ पे और यहाँ पे एक कार्डबोर्ड ट्यूब्स लिए हुए, दीज आर बेसिकली कार्डबोर्ड ट्यूब्स। आप यहाँ पे घड़ी को ले रहे हैं, ठीक है, घड़ी को ले रहे हैं यहाँ पे, तो घड़ी की आवाज़ होती है टिक 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 टिक, ठीक है, इसको आपने इसके सामने रख दिया भाई साहब, ठीक है, ओके। अभी आप इसको सुनने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आपको ये सुनाई देगा, बिल्कुल सुनाई देगा भाई साहब, ठीक है, तो आपको सुनाई तो देगा, ठीक है, ओके। नाउ व्हाट यू डू इज, तो आपको ये सुनाई कब देगा, सबसे ज्यादा सुनाई कब देगा, सपोज लो आपने कोई एंगल रखा यहाँ पे थीटा वन, ये थीटा वन और थीटा टू जब बराबर हो जाते हैं तब आपको सबसे ज्यादा साउंड सुनाई देगा, ठीक है, मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो गए, बराबर हो गए, सबसे ज्यादा साउंड। आप अपने पोजिशन को चेंज करते रहिए, आप यहां से लेकर यहां तक आते रहिए, आप देखेंगे जैसे ही आपका थीटा वन ये वाला एंगल और थीटा टू ये वाला आपका एंगल है जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे देन यू विल बी एबल टू हियर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ साउंड, ठीक है, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी में आपको साउंड सुनाई देगी। तो ये क्या प्रूव कर रहा है, द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट वेव एंड द रिफ्लेक्टेड वेव मेक इक्वल एंगल्स विद द नॉर्मल, नॉर्मल आपका हाइपोथेटिकल होता है, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सर्फेस है, ठीक है, लेट्स से दिस इज बेसिकली द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस, ये आपका दीवार है, रिफ्लेक्टिंग सर्फेस है और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होता हुआ आप तक पहुँच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा वन और थीटा टू आपके क्या हो गए भाई साहब, बराबर। द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट वेव, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज द इंसिडेंट वेव एंड द रिफ्लेक्टेड वेव, दे मेक इक्वल एंगल्स विद द नॉर्मल, इंसिडेंट वेव और आपके रिफ्लेक्टेड वेव क्या बनाएंगे भाई साहब, इक्वल एंगल्स विद द नॉर्मल, ठीक है, जैसा आपका लाइट में है वैसा ही आपका साउंड में भी लॉस है, ठीक है, इट्स एब्सोल्युटली द सेम, द इंसिडेंट वेव रिफ्लेक्टेड वेव एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन, ये आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन किसके हैं भाई साहब, लाइट के हैं, तो सेम ही चीज है, द इंसिडेंट द रिफ्लेक्टेड एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्लियर है, और 10 मिनट और 10 मिनट है और 10 मिनट है, अरे तेरे लिए तो 10 मिनट ही होगा ना भाई साहब, हाँ भाई जल्दी करना, एक घंटे का ही है आज, ठीक है, ओके। यहाँ पे देखो, फॉर द लाउडेस्ट टिकलिंग साउंड टू बी हर्ड बाय द ईयर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, देखो ये भाई साहब आपका नॉर्मल है, ये कोई वॉल है वॉल, ठीक है, यहाँ पे भाई साहब आपका 50 डिग्रीज दिया हुआ है, कौन सा एंगल, ये वाला, देखो अभी ध्यान दो, ये आपका नॉर्मल है, नॉर्मल आप इसको घुमा रहे भाई साहब, ऐसे घुमा रहे भाई साहब, ठीक है, इसको आप रिमूव कर सकते हैं, ये वाला फिक्स्ड है 50 डिग्रीज पे, ये पाइप है, ये क्लॉक है, ठीक है, यहाँ पे आपको x की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसमें आपको सबसे ज्यादा साउंड सुनने को मिले, हाँ घर बसा ले, रस्ते में घर बसा ले भाई साहब, जा किसको देख रहा है, बाहर तो लड़के ही घूम रहे हैं, अजीब नियत है भाई साहब, ठीक है, ओके। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 50 डिग्री हो गया ये, ठीक है, ये 50 डिग्री हो गया, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी हाउ मच, 40, ठीक है, 90 माइनस 50 कितना हो गया भाई साहब आपका 40 डिग्री, कहाँ पे और कौन से वैल्यू ऑफ एक्स में आपको यहाँ पे ज्यादा साउंड सुनने को मिलेगा, जब आपका ये 40 हो, मतलब देखो इसको जब तुम घुमाओगे ना तो तुमको साउंड मिलता रहेगा, जब ये एक्स तुम्हारा भाई साहब 40 डिग्री हो जाएगा तब तुमको मैक्सिमम साउंड सुनने को मिलेगा, क्यों,
क्योंकि ये आपके रिफ्लेक्शन लॉ को प्रूव कर रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपके बराबर हो गए। ठीक है, आर वी क्लियर? क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये? ठीक है, तो आपको यहाँ पे पूछा है फॉर द लाउडेस्ट टिकिंग साउंड। टिकिंग साउंड मतलब आपका घड़ी का जो टिक 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 ये साउंड होता है, ये लाउडेस्ट कब सुनाई देगा? बाय द ईयर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फिगर। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फिगर क्या हो जाएगा? एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? 40 degrees। क्लियर है? इस 40 degree एंगल पे आपको लाउडेस्ट टिकिंग साउंड हियर होगा। आर वी क्लियर? क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आता? ओके ओके ओके। ये आपका 50 degree है, तो नॉर्मल के साथ ये वाला देखो, ये वाला एंगल एक्स है तो ये वाला एंगल एक्स होना चाहिए, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपके बराबर होने चाहिए फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, तो ये वाला भाई साहब कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली ऐसे करो, ये 90 हो गया, 90 माइनस 50 किया तो ये कितना आ गया भाई साहब? 40। तो x की वैल्यू इधर 40, तो ये वाली भी आपकी कितनी हो जाएगी? 40, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस आपके किसके बराबर है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है। लाइट के लिए जो सिद्धांत अप्लाई होता है, वही सिद्धांत भाई साहब आपका यहाँ पे साउंड के लिए भी अप्लाई होता है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? क्लियर ना भाई साहब? बहुत बढ़िया। ठीक है, तो एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, तो एंगल CON इज इक्वल टू एंगल BON, दैट इज इक्वल टू X। ठीक है, एंगल AON की वैल्यू 90 हो गई, एंगल AOC प्लस एंगल CON इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 90। AOC की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी? 50 डिग्री प्लस X इज इक्वल टू 90, तो X की वैल्यू कितनी आ गई? 90 माइनस 50, दैट इज 40 डिग्री। ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे X का वैल्यू आ गया 40 डिग्री। द फिगर गिवन बिलो शोज एन इंसिडेंट पल्स P, ये आपका भाई साहब इंसिडेंट पल्स P है, रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट। ठीक है, किसी रिजिड सपोर्ट से भाई साहब, ये देखो ये रिजिड सपोर्ट है और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये एक पल्स है टपक से गया ये पे और ये आपका भाई साहब रिफ्लेक्ट होके वापस आ रहा है। ठीक है, रिफ्लेक्टेड विच आउट ऑफ द फोर रिप्रेजेंट्स द रिफ्लेक्टेड पल्स, तो आपका जो रिफ्लेक्टेड पल्स है उनमें से कौन सा सही होगा? ये आपका रिफ्लेक्टेड, देखो ये आया एक पल्स, आया पल्स साउंड का पल्स टपक, अभी ये भाई साहब रिफ्लेक्ट होके बाहर जा रहा है, तो कौन सा आपका सही पाथ दिखा रहा है? दिस 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 और दिस, जल्दी फटाफट, बहुत इजी है भाई साहब। आप बोलेंगे पता नहीं कहां, हम तो पढ़े भी नहीं है भाई साहब। आप थोड़ा सा सोचिए, आप थोड़ा सा सोचिए भाई साहब, अगर कोई बॉल को आपने ऐसे मारा है, ठीक है, समझ लो ये कोई दीवाल है, दीवाल, ठीक है, यहां पे भाई साहब आपका नॉर्मल है, लेट से इसी बॉल को आपने ऐसे मारा, तो ये बॉल कैसे आएगा? ऐसे आएगा ना, क्लियर है? अगर बॉल को आप स्ट्रेट मारेंगे तो स्ट्रेट जाएगा, अगर बॉल को आपने ऐसे इंसिडेंट करवाया तो ऐसे आएगा। तो यहां पे भी देखो ये कैसे आ रहा है, ऐसे, तो जाएगा कैसे? ऐसे जाएगा भाई साहब। ठीक है, कौन सा हो जाएगा बोलो? विच वन विल दिस बी, सी और डी? ठीक है, सो व्हाट विल दिस बी? दिस विल बी सी। सिंपल, समझ में आ रहा है भाई साहब? हो सकता है आप पूछो भाई साहब ये पल्स क्या होता है, ये क्या होता है, लेकिन उतना जाने की जरूरत नहीं है। आपका भाई साहब रिफ्लेक्शन कैसे है, जैसे आपने किसी बॉल को इधर मारा तो उसी एंगल से ये वापस आएगा, तो अगर आपने भाई साहब ये ऐसे जा रहा है तो जब आते वक्त ये ऐसे जाएगा, तो आते वक्त ऐसा मतलब ये किसका हो रहा है? सी का हो रहा है, दैट विल बी ऑप्शन सी। क्लियर हम? क्लियर हम? क्लियर हम पीपल हम? ठीक है, ओके ओके ओके। अभी हम बात करेंगे भाई साहब इको की। ठीक है, इको मतलब देखो इस रूम में भी इको हो रहा है। ठीक है, आपको सुनना है इको, अगर इस माइक को आप सुनेंगे ना वहां से, आपको आप जो बातें कर रहे हो ना आपस में वो भी सुनाई देता है उसमें। वो तो मैंने नॉइस कैंसिलेशन मोड ऑन किया है, तो अभी सिर्फ मेरा ही वॉइस कैप्चर हो रहा है। आप एक्चुअली में उन सब बातों को सुन सकते हो, पीछे भी जो बातें हो रही है ना वो सब इसमें कैप्चर होती है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कैप्चर करता है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जितने भी आपके यहाँ पे सर्फेसेस हैं सब में से रिफ्लेक्शन हो रहा है, सब में इको क्रिएट हो रहा है। इट्स जस्ट दैट द डिस्टेंस इज नॉट एनफ। आपको जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपका ब्रेन इस तरह से डिजाइन हुआ है कि दो डिफरेंट साउंड्स को वो तभी रिकग्नाइज कर पाएगा जब उनके दरमियान डिफरेंस कितना हो, 0.1 सेकंड का। ठीक है, तो पहला साउंड आपके पास आया और दूसरा साउंड आपके पास आया, इन दोनों के बीच में अगर 0.1 सेकंड से ज्यादा का डिफरेंस हो तो आप इन दोनों को अलग अलग साउंड परसीव करेंगे। तो यू विल परसीव साउंड ए एज साउंड ए, यू विल परसीव साउंड बी एज साउंड बी, और 10 मिनट। ठीक है, साउंड ए एज साउंड ए एंड साउंड बी एज साउंड, या मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, देख टाइम हो गया है, चलो चलो जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है? ये एक घंटे का ही पेपर है आप लोगों का। ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? तो अगर आपके पास बहुत सारे साउंड आ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे जगहों से साउंड आ रहा है, लेकिन इन सारे जगहों से साउंड जो आ रहा है
उसमें 0.1 सेकंड से लेस में ये पहुंच रहा है, तब आपको अलग अलग साउंड सुनाई नहीं देंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इस दीवार से, उस सीलिंग से, इस फ्लोर से, पंखों से, इस दीवार से, सब जगह से, ये फर्नीचर से साउंड रिफ्लेक्ट करता हुआ आपके कानों तक पहुंच रहा है, लेकिन आपको इतने सारे मेरे आवाज़ सुनाई नहीं दे रहे हैं, आपको एक ही आवाज़ सुनाई दे रही है। मेरी एक ही आवाज़ आपको इसलिए सुनाई दे रही है क्योंकि जितने भी आवाज़ रिफ्लेक्ट करते हुए आप तक पहुंच रहे हैं वो आपके 0.1 सेकंड के नीचे में पहुंच रहे हैं, इसीलिए आपका ब्रेन इसको अलग साउंड परसीव नहीं कर पा रहा है। ठीक है, सेम चीज़ जब आप भाई साहब किसी पहाड़ में जाकर करते हैं तो पहाड़ पे जाकर आपने यूसुफ 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 चिल्लाया, भाई साहब चार बार ऐसा नाम आएगा, है ना। ठीक है, क्यों? इस पहाड़ से और इस पहाड़ से टकरा कर जो वॉइस रिफ्लेक्ट होकर आपके पास आएगी, उस वॉइस का भाई साहब ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है ना, ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो ऑब्वियसली भाई साहब एक साउंड तो समझ लो, इन्होंने भाई साहब चिल्लाया, ये आके भाई साहब चिल्लाया तो ये आपका पहुंचा, ये चिल्लाया, एक ही साउंड है, तो ये सारे डिस्टेंसेस अलग अलग हैं। मतलब ये जब आवाज यहां तक पहुंच रही है उसमें सब में 0.1 सेकंड से ज्यादा का फर्क होगा, इसलिए आपका ब्रेन जो है तो अलग अलग साउंड परसीव करेगा। वहां पे किसी को दिया मैंने, ठीक है, आपका ब्रेन जो है तो अलग अलग साउंड परसीव करेगा, एक ही साउंड है लेकिन आपको रिपीटेड साउंड्स प्रोड्यूस होंगे, समझ में आ रहा है ये? तो आप ऐसा नहीं है कि हर एक सरफेस में रिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन रिफ्लेक्शन होने के बाद जो साउंड आप तक पहुंच रहा है, अगर वो साउंड 0.1 सेकंड के पहले ही पहुंच जाता है, यू विल नॉट बी एबल टू डिस्टिंग्विश एज अ डिफरेंट साउंड, यू विल बी एबल टू डिस्टिंग्विश इट एज अ सेपरेट और अ डिफरेंट साउंड इफ द साउंड इज रीचिंग ओनली टू यू आफ्टर 0.1 सेकंड। समझ में आ रहा है? तो इको के लिए 0.1 सेकंड का साउंड का डिफरेंस जरूरी है, और ये तभी पॉसिबल है जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपसे बहुत दूर हो, जैसे पहाड़ पे जाके आपको जो रिफ्लेक्शन या इको सुनाने को मिलता है, आप किसी नए फ्लैट में जाते हैं जहां पे कोई फर्नीचर वगैरह नहीं है, आप देखेंगे आपकी आवाज गूंजती हुई नजर आएगी, ठीक है, इट विल बी लाइक ऐसा गूंजेगा आपका आवाज, ठीक है, लेकिन जैसे आप उसको फर्नीचर से भर देते हो आपका आवाज मतलब डाई आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फर्नीचर्स जो होते हैं या कुशंस जो होते हैं, कर्टेंस होते हैं, ये साउंड को अब्सॉर्ब करते हैं, दे आर एक्वास्टिक्स, ठीक है, इनको हम एक्वास्टिक्स भी बोलते हैं। ये जो आपका बोर्ड है, देखो इस तरीके का जो बोर्ड होता है, ठीक है, ये भी आपके साउंड को अब्सॉर्ब करता है। आप देखोगे मल्टीप्लेक्स थिएटर्स में एक ही जगह पे बहुत सारे हॉल्स होते हैं, है ना, एक के बाद एक के बाद एक, तो भाई यहाँ का साउंड इधर क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आप देखोगे बहुत भारी मात्रा में वहाँ पे एक्वास्टिक्स लगे हुए हैं। एक्वास्टिक्स मतलब एक हॉल का अब्सॉर्ब कर लेता है वो पूरे साउंड को, मतलब एक हॉल का आवाज दूसरे हॉल में जाने नहीं देता, ठीक है। सो इन स्पाइट ऑफ बीइंग एट अ वन सिंगल प्लेस, यू विल सी दैट द साउंड ऑफ वन हॉल इज नॉट रीचिंग और डिस्टर्बिंग द साउंड ऑफ द अदर हॉल। व्हाई? बिकॉज ऑफ दीज एक्वास्टिक्स विच हैव बीन प्लेस्ड। घर में जितना ज्यादा फर्नीचर हो जाएगा उतना ज्यादा आपको चिल्ला कर बात करनी पड़ेगी, ठीक है, आगे वाले को सुनने के लिए, ठीक है, क्योंकि आपका साउंड जो है तो उतना ज्यादा अब्सॉर्ब होगा, ठीक है, साउंड विल बी अब्सॉर्ब। ओके, सो दीज आर थिंग्स विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। आपका भाई साहब इको होता क्या है? वॉट इज इको? सो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो देखो यहाँ से जब इंसान चिल्ला रहा होगा या बात कर रहा होगा तो इस तमाम पहाड़ जो हैं इसके आजू बाजू, वहां से साउंड रिफ्लेक्ट होते हुए इस तक पहुंच रहा होगा। सो द साउंड विल बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ऑल द क्लिप्स और द माउंटेन रेंजेस दैट आर अराउंड दिस पर्सन, ठीक है। सो ये आपका साउंड रिफ्लेक्ट होता हुआ आएगा। इको क्या है? रेपिटेशन ऑफ साउंड ड्यू टू रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ डिस्टेंट सर्फेस इज कॉल्ड इको। तो ये साउंड का रेपिटेशन हो रहा है आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ डिस्टेंट सर्फेस, बहुत दूर के सर्फेस से जब ऐसा आपका साउंड रिफ्लेक्ट होता हुआ पहुंच रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? इको, दैट इज नोन एज इको। कंडीशंस रिक्वायर्ड टू हियर रिफ्लेक्टेड साउंड क्लियरली, क्या क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड होंगे भाई साहब? पहला तो एक साउंड और उससे आता हुआ दूसरा साउंड, इसके बीच के डिफरेंस इको को तभी सुन सकते हैं जब दो रेपिटेटिव साउंड्स में आपका डिफरेंस कितना हो? 0.1 सेकंड का हो, 0.1 सेकंड से ज्यादा हो, ठीक है। इको कैन बी हर्ड ओनली इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्व एंड द रिफ्लेक्टेड सरफेस इज एटलीस्ट 17.2 मीटर्स। अब ये 17.2 मीटर्स कैसे आया रहेगा? देखो, ठीक है, समझो यहां पे भाई साहब ये 17.2 मीटर का कैलकुलेशन कैसे हुआ है। तो यहां पे हमारे संकेत बाबू हैं, ठीक है, और यहाँ पे है भाई साहब एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस, बीच में बहुत सारी मक्खियाँ हैं, इन्होंने सारी मक्खियों को खाकर निचोड़ दिया, मतलब ये ऐसे मक्खियों को पकड़ लेते हैं भाई साहब, ठीक है, तो खा लिया सब। ओके, चलिए, तो अभी आ रहा है हमारे संकेत बाबू हैं यहाँ पे, ठीक है, और ये चिल्ला रहे हैं भाई साहब, ठीक है, तो ये चिल्ला रहे जब
तो इनके यहाँ पे गया और साउंड वापस आया, ठीक है, ये साउंड गया और वापस आया, बीच में एयर है बेसिकली, ठीक है, बीच में आपका क्या है भाई साहब, एयर है, ठीक है, ओके, ये साउंड गया और वापस आया, ठीक है। साउंड का स्पीड कितना है भाई साहब आपका, 340 ले लेते हैं, चलो 340 एक कितना है, 330 है, 330 अगर होगा 216, चले 350, एक मिनट, हाँ 2 into 2, 2 into 4, 7 into 14। एयर में साउंड का स्पीड है 344 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, एयर में साउंड का स्पीड कितना है, 344 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, ओके। अभी समझिए कि ये इनको अपने इको को सुनाई दे रहा है, ही इज एबल टू हियर हिज इको, तो इन्होंने चिल्लाया, चिल्लाया जब तो एक साउंड प्रोड्यूस हुआ, ये साउंड यहां तक टकरा कर फिर वापस आया, इनको वो साउंड भी सुनाया दिया, ठीक है। ही वॉज एबल टू हियर बोथ साउंड, व्हेन ही इज शाउटिंग ही इज एबल टू हियर दैट, एंड विद इन सम मोमेंट ऑफ टाइम ही इज एबल टू हियर हिज इको एज वेल। तो आपके ब्रेन को, तो ये मिनिमम डिस्टेंस है, लेट्स से इस दीवार को हम फ्लक्चुएट कर सकते हैं, अभी इस दीवार को हम इनके से दूर लेकर जा रहे हैं, ठीक है, लेट्स से वी आर टेकिंग इट फार फ्रॉम हिम, सो द मोमेंट वी कम हियर ही इज एबल टू हियर द इको, तो ये आपका लीस्ट डिस्टेंस हो गया टू हियर द इको, ठीक है, सो दिस विल बी द लीस्ट डिस्टेंस टू हियर इको, ठीक है, ओके। यहां पे लेट्स से आपका डिस्टेंस कितना है, एक्स है, तो साउंड गया जाते वक्त कितना डिस्टेंस, x, आते वक्त कितना डिस्टेंस, x, ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल आपका कितना हो गया भाई साहब, 2x, है कि नहीं, क्लियर है। और ये जो इको का इफेक्ट आया, ये तभी आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं जब जो साउंड प्रोड्यूस होकर वापस आया वो 0.1 सेकंड के बाद आ रहा हो, तो टाइम कितना हो गया आपका, टोटल टाइम कितना हो गया भाई साहब आपका, 0.1 सेकेंड, ठीक है, ये हो गया आपका टोटल टाइम, क्लियर है, क्लियर है। तभी तो आपका ब्रेन दो अलग अलग साउंड इंटरप्रेट कर पाएगा, ओनली इफ द इको इज रीचिंग यू आफ्टर 0.1 सेकेंड्स, ओनली देन योर ब्रेन विल बी एबल टू इंटरप्रेट इट एज टू डिफरेंट साउंड्स, अदरवाइज ये मर्ज हो जाएगा, ठीक है, ओके। सो टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, अभी हमको मालूम है भाई साहब स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कितना है, 344 मीटर पर सेकेंड, 344 मीटर पर सेकेंड, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया आपका 2x, टोटल टाइम कितना हो गया आपका 0.1, दिस इज इक्वल टू 344, तो 2x की वैल्यू कितनी हो गई, 34, 2x की वैल्यू कितनी हो गई, ये इसको शायद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 34.4, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 34.4 अपॉन 2, तो ये हो गया कितना आपका 17.2 मीटर्स। तो इसका मतलब किसी साउंड का अगर आपको इको सुनना है, ठीक है, सो इन ऑर्डर टू लिसन टू एन इको that object should be at least 17.2 meters away from the sound source. इस तरह से हम प्रूव करते हैं भाई साहब कि किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर साउंड सोर्स से 17.2 meters है तो ही जाकर आपको इको सुनने को मिलेगा, ठीक है, यू विल बी एबल टू हियर द इको। इको कैन बी हर्ड ओनली इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस इज एट लीस्ट 17.2 meters, ठीक है। डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम 34, तो ये हो गया आपका 34.4, velocity of sound in air is 344, ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो गया, that will be at 22 degree centigrade the speed of sound in air is 344 meter per second, to hear a distinct echo the sound wave should be more than 0.1 seconds after starting from the source to get reflected and come back to us, तो यहाँ पे जो time है वो 0.1 second से ज़्यादा होना चाहिए, 0.1 second से ज़्यादा होना चाहिए ताकि वो sound हमको hear हो, ठीक है, okay। सो दिस इज आवर अरेंजमेंट ऑफ ईयर, ठीक है, ये जो ईयर है यहाँ पे देखो ईयर ड्रम होता है, यहाँ पे एनविल होता है, एनविल ये इसको स्ट्राइक करेगा, और ये जैसे मैंने आपको बोला दिस इज द कॉल्चिया पार्ट, कॉल्चिया पार्ट में एक सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होता है और यहाँ पे आपके ब्रेन के सारे नर्व्स रहते हैं, ऑल योर ऑडिटरी नर्व्स आर बेसिकली इन दिस कॉल्चिया पार्ट, आप जब ऐसे घूमते हैं तो ये जो कॉल्चिया पार्ट है ये वैसा वैसे ऊपर नीचे होता है और इसीलिए आपको थोड़ा सा डिजीनेस फील होता है, यू फील दैट डिजीनेस, ठीक है। ये आपके ईयर का स्ट्रक्चर है, ये ईयर ड्रम है, ये ईयर ड्रम क्या करता है भाई साहब, यहाँ पे हैमर और एनविल है, तो यहाँ पे एक हैमर होता है, ये एनविल है, आपने किसी मोची को काम करते हुए देखा है तो उनके पास देखो एनविल होता है, वो जूते को उसके ऊपर रखता है ऐसे जोर जोर से मारता है, तो इट्स द सेम थिंग आउट हियर, ये जो ईयर ड्रम है ये आपके हैमर से कनेक्टेड है और ये एनविल है, और ये एनविल आपका किस में है,
दिस इज इंसर्टेड इनसाइड द कॉल्चिया. सो दिस विल क्रिएट अ डिस्टर्बेंस एंड दिस डिस्टर्बेंस विल बी कैप्चर्ड बाय द ऑडिटरी नर्व्स एंड सेंड ऑल अक्रॉस टू द ब्रेन. और ब्रेन आपका साउंड परसीव करेगा. लेकिन ब्रेन आपके दो साउंड को डिस्टिंग्विश तभी कर पाएगा जब उनके अंदर जो डिफरेंस है आप तक पहुंचने का वो 0.1 सेकंड से ज्यादा हो. ठीक है. द ब्रेन विल बी एबल टू इंटरप्रेट इट एज टू डिफरेंट साउंड्स ओनली इफ द अमाउंट ऑफ टाइम बिटवीन दोज साउंड्स रीचिंग द ईयर इज मोर देन 0.1 सेकंड्स. ठीक है. ओके. सो ह्यूमन ईयर है भाई साहब ये. ठीक है. तो आपका भाई साहब ह्यूमन ईयर ब्रेन प्रोसेसेस अ साउंड एंड वी आर एबल टू अंडरस्टैंड इट. तो आपका ब्रेन क्या करता है इस साउंड के इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है एंड वी आर एबल टू बेसिकली अंडरस्टैंड इट. ठीक है. ओके. सो ये सारी चीजें जो हैं, तो व्हेन द टू साउंड्स एंटर द ईयर इन मोर देन 1/10 ऑफ अ सेकंड बोथ द साउंड्स कैन बी अंडरस्टूड. ठीक है. जैसे अगर मैं अभी बाहर चले जाऊं तो तुम लोग सब क्या हो जाओगे जंगली. ठीक है. जानवरों की तरह चिल्लाने लगोगे गाओ. तो बाहर खड़ा हुआ कोई आदमी क्या बोल पाएगा कि यूसुफ चिल्ला रहा है या भाई साहब नचिकेत चिल्ला रहा है या भाई साहब सूरज चिल्ला रहा है? नहीं बोल पाएगा. क्यों? क्योंकि सबके जो साउंड्स होंगे वो एक कंबाइंड साउंड बाहर आ रहा है. ठीक है. मतलब वो साउंड में डिफरेंस नहीं है 0.1 सेकंड का. इसीलिए आपका ब्रेन जो है तो इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा उस साउंड को. ठीक है. तो इसीलिए एक बहुत बड़ा नॉइज क्रिएट होगा. हाउएवर योर ब्रेन विल नॉट बी एबल टू इंटरप्रेट इट एज टू डिफरेंट साउंड्स. जब समझ लो आपका गिटार तबला भाई साहब कैसे हो सब कुछ एक साथ बज रहा हो तो आप मतलब ये नहीं कर पाएंगे कि क्या बज रहा है. एक आपको कंबाइंड म्यूजिक इफेक्ट मिल रहा है बट यू आर नॉट एबल टू क्लियरली डिस्टिंग्विश एज टू व्हाट इज बीइंग प्लेड. ठीक है. व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट दैट आर बीइंग प्लेड. क्योंकि ये सारा साउंड जो है तो आपके पास एक साथ जा रहा है लेस देन 0.1 सेकंड में. सो इसीलिए आपको एक जंबल्ड इफेक्ट मिल रहा है. यू आर बेसिकली एबल टू हियर अ जंबल्ड इफेक्ट. व्हेन द टू साउंड्स एंटर द ईयर इन मोर देन 1/10 ऑफ अ सेकंड. मतलब कितना? 0.1 सेकंड. 1/10 मतलब 0.1 सेकंड्स ऑफ अ सेकंड बोथ द साउंड्स कैन बी अंडरस्टूड. दोनों भी साउंड आपके क्या हो जाएंगे? वी विल बी एबल टू. अच्छा ठीक है वो कर लेगी. तुम ज्यादा भाई साहब एडवाइस मत दो. चलो फटाफट सवाल करो. ओके. तो आपका भाई साहब ये हो गया. व्हेन द टू साउंड्स एंटर द ईयर विद इन 0.1 सेकंड्स देन ब्रेन अंडरस्टैंड्स इट एज अ सिंगल साउंड. अगर दो साउंड आपके पास पहुंच रहे हैं 0.1 सेकंड के पहले तो आपका ब्रेन उन दोनों साउंड को एक ही साउंड इंटरप्रेट करता है. इफ टू साउंड्स आर रीचिंग योर ईयर्स बिफोर 0.1 सेकंड्स देन योर ईयर और योर ब्रेन इंटरप्रेट्स इट्स एज ओनली वन साउंड. ठीक है. ये आपका भाई साहब एक ही साउंड इंटरप्रेट करेगा. ठीक है. सो इको कैन बी हर्ड ओनली इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस इज 17.2 मीटर्स. अभी हम वेलोसिटी देखते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस भाई साहब आपका क्या हो गया? वेलोसिटी इनटू टाइम. वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर कितना है? 344 मीटर पर सेकंड. कहीं कहीं पे आपको 340 दिया रहता है, कहीं कहीं पे आपको भाई साहब 350 भी दिया रहता है. ऊपर नीचे होता रहता है क्योंकि जो आपका एयर का डेंसिटी है वो भी ऊपर नीचे होता रहता है. ठीक है. जैसे जब बहुत आंधी चल रही हो तो एयर की डेंसिटी भाई साहब बढ़ जाती है. जब भाई साहब शांत एनवायरमेंट है तो आपका एयर का डेंसिटी लो हो जाता है. ठीक है. तो ये आपका लगभग औसताना स्पीड है. ठीक है. एवरेज स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 344 मीटर पर सेकंड. तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई साहब? 334.4. ठीक है. सो आपका साउंड है भाई साहब दैट इज, यहां पे क्या बोल सकते हैं हम? दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. सो लेट्स से दिस इज अ माउंटेन. इनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस आपका 17.2 होना चाहिए. मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है. अगर आपको किसी सरफेस से रिफ्लेक्शन चाहिए तो उस सरफेस से आपका डिस्टेंस कितना चाहिए? 17.2. वो सामने जो दीवार है, अगर मैं बाहर जाके खड़ा हो जाऊं तो वो 17 मीटर दूर है मेरे से, तो रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होना चाहिए. आएगा इको? यहाँ बाहर जाके चिल्लाओ, वो जो बाहर की दीवार है वो लेट से 17 मीटर दूर है, तो इको तो आना चाहिए ना. यही कंडीशन है ना भाई साहब? 17 मीटर दूर अगर कोई वॉल है 17.2, देन यू विल बी एबल टू हियर द इको. बट आर यू एबल टू हियर द इको? तो क्या गड़बड़ हो रहा है फिर? साइंस ने तो प्रूव कर दिया. क्या क्या क्या? साउंड अब्सॉर्बिंग ऑब्जेक्ट नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है. चलो तुम्हारे और उसके बीच में कोई भी साउंड अब्सॉर्बिंग ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ वो दीवार है और तुम हो यहाँ पे. सुषमा पाटिल के दीवार के सामने भाई साहब खड़े हो जाओ, 17 मीटर दूर कर लो अपने को, चिल्लाओ भाई साहब. विल यू बी एबल टू हियर एनी को? यू शुड बी एज पर साइंस.
बट यू आर नॉट राइट. क्यों ऐसा नहीं हो रहा है? वाई आर वी नॉट एबल टू हियर? दीवाल अब्जॉर्ब नहीं, नहीं, नहीं दीवाल अब्जॉर्ब करी नहीं. हाँ नहीं, एयर की वजह से तो साउंड ट्रैवल होगा भाई साहब. एयर रहना तो जरूरी है, वैक्यूम में थोड़ी ना साउंड ट्रैवल होगा. एयर का तो रहना जरूरी है. आप तक ये साउंड इसलिए नहीं पहुंच रहा है क्योंकि आपके बीच में भी बहुत सारे साउंड्स हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे. कोई गाड़ी जा रही है भाई साहब, कोई भाई साहब चिल्ला रहा है, कोई भाई साहब गरबा खेल रहा है ढाम ढूम, ठीक है. तो ये सारे साउंड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं जिसके वजह से ये साउंड आपका डाई आउट हो रहा है, ये इको आपका डाई आउट हो रहा है. यही चीज अगर आप किसी शांत वातावरण जैसे पहाड़ में जाकर करते हैं तो बाकी जो के साउंड उसको इम्पैक्ट नहीं करते. आपके और पहाड़ के दरमियान और कुछ नहीं है जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, इसीलिए इको आपको डिस्टिंक्टिवली सुनाई दे रहा है, ठीक है. शहरी इलाकों में ये इको किसी बिल्डिंग के सामने जाकर खड़े चिल्ला रहे भाई साहब, लेकिन नहीं सुनाई दे रहा है इको, ठीक है, क्योंकि आपके दूसरे जो साउंड क्रिएटिंग सोर्सेज हैं, समझ लो कोई मशीन चल रहा है, कोई चक्की के आटा पीसा जा रहा है, कहीं पे भाई साहब गाड़ी चल रही है, किसी बिल्डिंग में कोई पानी का मोटर चल रहा है, आपको क्या मालूम. कहीं इतने सारे फ्लैट्स हैं, सब में अगर टीवी चल रहा हो कितना ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस हो रहा होगा. तो ये सारे वाइब्रेशंस में आपका जो इको है वो डाई आउट हो जाता है. लेकिन पहाड़ों में ये इको डाई आउट नहीं हो पाता है क्योंकि आजू बाजू और कुछ भी नहीं है. तो आपके और पहाड़ के दरमियान और कुछ भी नहीं है, इसीलिए आपको इको प्रॉपरली सुनाई देता है. बट दिस कंडीशन वुड रिमेन द सेम इरेस्पेक्टिव कि आपको अगर किसी सरफेस से आपके प्रोड्यूस्ड हुए साउंड का इको लेना है तो उस सरफेस से आपका मिनिमम दूरी 17.2 होना चाहिए. क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हाउएवर इन 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 अर्बन एरियाज देयर सो मच ऑफ नॉइज ड्यू टू इंडस्ट्रीज, ड्यू टू बाय साहब व्हीकल्स मूविंग, ड्यू टू मोटर्स, ड्यू टू अदर थिंग्स एज वेल, इतना ज़्यादा नॉइज प्रोड्यूस होता है कि आपका इको डाई आउट हो जाता है. लेकिन पहाड़ी इलाकों में आपका इको डाई आउट नहीं हो पाता, इसलिए आपको क्लियरली और डिस्टिंक्टिवली अपना इको प्रोड्यूस होता हुआ सुनाई देता है, ठीक है. एनी क्वेश्चन सो फार पीपल? एनी क्वेश्चन? सो ये आपका देखो पाए वाई इको इज नॉट हर्ड एवरीवेयर. आपने भाई साहब कंडीशन स्टैब्लिश कर ली है कि आपसे रिफ्लेक्टिंग सर्फेस की दूरी अगर 17.2 मीटर है तो इको प्रोड्यूस होगा. तो ये इको सब जगह सुनने को क्यों नहीं मिलता है? Why is it only that when we go to mountains or hilly areas, only then we are able to hear the echo? Or 5 minutes, ठीक है? Only then we are able to hear the echo. Echo can only be heard if the surface is rigid. आपका surface अगर rigid, ठोस हो, ठीक है? If the surface is rigid, तो पहली बात तो है, can echo be heard at this place? क्या यहाँ पे आप echo को hear कर सकते हैं? ठीक है? Echo cannot be heard if the mountains are covered with trees because trees absorb sound. अगर माउंटेन आपका रॉकी माउंटेन है तभी जाकर आपको इको साउंड आपको प्रोड्यूस होगा. अदरवाइज अगर बहुत सारे ट्रीज से है वो, तो ट्रीज विल अब्सॉर्ब द साउंड. ट्रीज आपके साउंड को अब्सॉर्ब कर लेगी. दीज आर सॉफ्ट सर्फेसेस. वुड, ये जो वुड है ये आपका साउंड अब्सॉर्ब करता है, ठीक है. दीज आर साउंड अब्सॉर्बिंग सर्फेसेस. आपका भाई साहब जो सोफा है या आपके कर्टन्स हैं या आपके कुशन्स हैं, जो गद्दियाँ होती हैं, ये सारी चीज़ें जो भी सॉफ्ट चीज़ें वो साउंड को अब्सॉर्ब करती हैं, ठीक है. तो इको कैनॉट बी हर्ड इफ द माउंटेन्स आर कवर्ड विद ट्रीज बिकॉज ट्रीज अब्सॉर्ब द साउंड. ट्रीज आपके साउंड को अब्सॉर्ब कर लेती है, ठीक है. ये आपका भाई साहब एक दिल्ली का इलाका है, ठीक है. इस तरीके के आपको तार लिखेंगे. आपका यहाँ पे मुंबई में जैसली जितने भी तार है वो अंडरग्राउंड है, लेकिन बाकी शहरों में इंडिया में इस तरह से तार होता है. क्या तार हमारा मसला नहीं है यहाँ पे. तो आप देखोगे ये भीड़ है, ठीक है. समझ लो यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है और ये जो कोई भी बिल्डिंग है उससे 17 मीटर दूर है. उस इंसान का भाई साहब इको कभी सुनाई देने का अवसर उसको मिलेगा ही नहीं. क्यों? क्योंकि इतना सारा जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, इतने सारे लोग, उसका इको डाई आउट हो जाएगा. ही विल नॉट बी एबल टू हियर हिज इको, ठीक है. इफ अ पर्सन इज स्टैंडिंग हियर एंड लेट्स से द बिल्डिंग इज हियर एंड दिस डिस्टेंस इज मोर देन 17.2 मीटर, ऑब्वियसली बाई साइंस ही शुड बी एबल टू हियर द इको, बट ही विल नॉट बी एबल टू हियर द इको बिकॉज सो मच ऑफ साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाई द क्राउड, बाई टीवी, बाई मोटर्स, बाई व्हीकल्स रनिंग. इतना सारा भाई साहब जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसमें वो साउंड इको का डाई आउट हो जाता है, ठीक है. दैट बेसिकली इको कैन इको बी हर्ड एट दिस प्लेस? नो इट कैन नॉट बी, ठीक है. इवन इफ यू फुलफिल द मिनिमम कंडीशंस इको कैन नॉट बी हर्ड. कहाँ हो गया भाई साहब, कहाँ हो गया? कुछ तो तोड़ डाला किसी ने ना, ठीक है. कैन इको बी हर्ड एट दिस प्लेस पीपल? कैन इको बी हर्ड एट अ फर्निश्ड हाउस? नहीं, क्योंकि आपके जो सोफा सेट्स होते हैं, आपके जो वुडन चीजें होती हैं, वो भाई साहब क्या करती हैं, साउंड को अब्सॉर्ब कर लेती हैं. कारपेट्स,
ठीक है, ये आपके जितने भी वुडन फ्रेम्स होते हैं, आपके सोफा सेट होते हैं, जो कुशन्स होते हैं, जो कर्टेंस होते हैं, दे ऑल ऑफ देम बेसिकली अब्सॉर्ब द साउंड। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, जब आप किसी नए फ्लैट में जाते हैं जहाँ पे कोई फर्नीचर वगैरह नहीं है, द मोमेंट यू एंटर अ वेकेंट फ्लैट, आपको थोड़ा सा अपना आवाज गूंजता हुआ नजर आएगा, ठीक है, सम वाइब्रेशंस विल बी देयर व्हेन यू टॉक, ठीक है, द मोमेंट यू फिल इट विद फर्नीचर एंड ऑल यू विल नॉट बी एबल टू हियर दैट वाइब्रेशन, ठीक है। तो आपका भाई साहब ये कैन इको बी हर्ड इनसाइड अ फर्निश्ड हाउस, तो एक फर्निश्ड हाउस के अंदर फर्नीचर इन द हाउस अब्सॉर्ब द साउंड, हेंस इको इज नॉट हर्ड। तो आपका फर्नीचर क्या करता है, साउंड को अब्सॉर्ब कर लेता है और इसीलिए इको आपका हम नहीं सुन पाते हैं। इफ द डिस्टेंस डी बिटवीन द सोर्स एंड द साउंड इज इंक्रीज टू 4D एंड द वेलोसिटी वी ऑफ द साउंड इज डबल्ड, देन व्हाट विल बी द टाइम टी आफ्टर विच विद द इको विल बी हर्ड, ठीक है। तो आपका ये भाई साहब साउंड सोर्स है, ठीक है, और ये भाई साहब आपका साउंड रिसिपिएंट है, ठीक है। इफ द डिस्टेंस डी बिटवीन द साउंड सोर्स एंड द साउंड, ठीक है, साउंड सोर्स एंड द साउंड इज इंक्रीज टू 4D, मतलब डी से आपने 4D पे इसको इंक्रीज कर दिया है, ठीक है। सो व्हाट यू हैव डन इज बेसिकली फॉर इको टू बी हर्ड, वेलोसिटी कितनी होगी भाई साहब, 2D/T, ठीक है, 2D/T। सो आपका टी कितना हो जाएगा, 2D/V, वेलोसिटी क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, इधर से गया वापस आया, तो कितना हो गया 2D, डी जाने में डी आने में, तो 2D अपॉन टी टाइम टेकन, ये टाइम टेकन कितना होना चाहिए, मोर देन 0.1 सेकेंड होना चाहिए, है ना, ये टाइम जो है ये आपका भाई साहब क्या होना चाहिए, मोर देन 0.1 सेकेंड। तो अगर आपका टी हो गया तो दिस विल बी, इसको इधर ले लो इसको इधर, तो ट्रांसपोजिंग द टर्म्स टी कम्स हियर एंड वी कम्स हियर, तो टी विल बी 2D/V, ये आपका सिंपल कैलकुलेशन है। अभी आपने क्या कर दिया, यहाँ पे इसको 4D कर दिया है, इसको 4D कर दिया, डिस्टेंस इज 4D नाउ, ठीक है। तो आपका D1 क्या है भाई साहब, 4D है, और V1 क्या है भाई साहब, 2V है, वेलोसिटी ऑफ साउंड को भी आपने बढ़ा दिया है, ठीक है। तो T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2D1/V1, 2D1 की जगह पे आप क्या लिखोगे भाई साहब, 4D है कि नहीं, और V1 की जगह पे क्या लिखोगे भाई साहब, 2V। तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 × 4D/2V, कितना आ गया भाई साहब आपका, 4 × 2, तो × 2 × 2D/V, ठीक है। तो T1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2T, मतलब यहाँ पे क्या आपको इको सुनाई देगा, क्यों सुनाई देगा, अरे हाँ ना भाई सुनाई देगा ना, टी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, टी की वैल्यू एटलीस्ट 0.1 सेकेंड होगी, और यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, 0.2 सेकेंड हो जाएगी, मतलब अभी आपको इको सुनाई देने के लिए वो जो इको है वो 2 सेकेंड बाद आना चाहिए, 0.2 सेकेंड बाद, ठीक है। सो आफ्टर, तो आपका भाई साहब ये हो गया 2। इफ द स्पीड ऑफ द साउंड इज रिड्यूस्ड, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं भाई साहब, इको टू वेलोसिटी, देन व्हाट विल बी द टाइम टी आफ्टर विच द इको कुड बी हर्ड, तो इको कुड बी हर्ड आफ्टर टाइम 2T, ठीक है, आफ्टर टाइम 2T द इको कुड बी हर्ड। क्या ही समझ में आ रहा है भाई साहब, पहले वाले में इको कुड बी हर्ड आफ्टर टाइम टी, अभी सेकेंड वाले में इको कुड बी हर्ड आफ्टर टाइम 2T। क्लियर है पीपल, हम इफ द स्पीड ऑफ द साउंड इज रिड्यूस्ड बाई 1/3 एंड टाइम फॉर द इको टू बी हर्ड इज डबल्ड, व्हाट विल द इको बी हर्ड, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे नो हो जाएगा, कैसे भाई साहब बता सकते हैं वाई, देखो आपका स्पीड ऑफ साउंड है फॉर इको टू बी हर्ड, लेट्स से वी है, ठीक है, एंड इसको हमने क्या कर दिया अभी, V/3, तो न्यू स्पीड आपका कितना हो गया V-, ये हो गया V/3, 1/3 हो गया इसका, ठीक है, एंड द टाइम फॉर द इको टू बी हर्ड इज डबल, तो आपका टाइम क्या था भाई साहब, ये टाइम था, अभी इसको हमने क्या कर दिया है भाई साहब, 2T कर दिया है, ठीक है, 2T कर दिया है, विल द इको बी हर्ड, तो आपका भाई साहब वी इतना हो गया है, तो डिस्टेंस आपका यहाँ पे भी डी है, और यहाँ पे डिस्टेंस को हमने चेंज नहीं किया है, ठीक है, और यहाँ पे भी डी है भाई साहब, डिस्टेंस यहाँ पे भी डी है, और सेकंड वाले केस में भी भाई साहब आपका डी है, ठीक है। तो आपका टाइम क्या हो जाएगा, यहाँ पे बोलो, टाइम टी विल बी इक्वल टू व्हाट, स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हो गया आपका टाइम टी। सेकंड वाले केस में क्या हो जाएगा बोलो, डी टाइम टी डैश लिख रहे हैं हम, लेट से टी डैश विल बी इक्वल टू डिस्टेंस दैट इज डी अपॉन, यहाँ पे क्या है भाई साहब, यहाँ पे क्या है, V/3 है, है ना, V/3 है, क्लियर है। इस टी डैश की जगह पे क्या लिखेंगे हम, 2T इज इक्वल टू D/V/3, ये भाई साहब चला गया ऊपर, 3D/V इज इक्वल टू 2T, तो आप भाई साहब टी को क्या लिख सकते हैं, 3D/V/2, तो ये क्या हो गया भाई साहब, ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। सो आपका क्या ये बराबर हो पाएगा, देखो ये D/V आपका क्या है, टी है ना, ठीक है, क्या ये बराबर है, टी इज इक्वल टू 3/2T, ऐसा बराबर है क्या, ये आपका टी है और ये कितना है, 3/2T है, तो ये बराबर है ही नहीं, तो इसका मतलब आपको इको सुनाई नहीं देगा,
इट इज एन इम्पॉसिबल केस. वन कैन नॉट बी इक्वल टू 1.5. ये क्या है 1 और ये क्या है 1.5. क्या 1 और 1.5 बराबर है? नहीं हो सकता ना, क्योंकि दोनों में भी टी कैंसिल हो जाएगा ना, एंड 1 इज नॉट इक्वल टू 1.5. तो अगर 1 और 1.5 बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये रिलेशनशिप जो आप निकाल रहे हैं वो गलत है. ठीक है, और गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन आपको सुनाई देगा ही नहीं. यू विल नॉट बी एबल टू हियर द साउंड. दैट्स द रीजन इट इज नो. क्लियर? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? पीपल बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया. जाइए जीवन की अय्याशियां कीजिए.